इतनी मशक्कत के बाद में मेरी फिर से मेरा फिर से एक और सेट डिसाइड हुआ है और बेबो की ये ड्रेस बोलते हैं इसको, तो हम दोनों का ये डिसाइड हुआ है और मेरे को फिर से इन्होंने बोला स्कॉट शर्ट बना दिया जो मैं पहन के आई थी। इन्होंने बोला वहाँ पे है ना, नहीं हम लोग आपको बाद में बताएंगे कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, हमेशा मैं आप लोगों को पहले बता देती हूँ कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, आज अपन बाद में बताएंगे ठीक है, अपन जाने के बाद में बताएंगे, आप कंट्रोल रखना। ओके डन, नहीं बताऊंगी आप लोगों को, बाद में पता लगेगा कि हम लोग कहाँ पे गए थे। आज मैंने पहना है कॉट सेट और इन्होंने पहनी है ये ड्रेस। ठीक है, अच्छे लग रहे हो, सुंदर लग रहे हो। और मम्मी ने भी पहना है ये, देखना कैसे बड़ी है। और तप्ती जी ने बनाए हैं हमारे लिए पराठे, मम्मी ने बनाई है लॉन्ची और छाछ। तो मैंने बोला बेबू मेरे को चाय पीनी है, तो बेबू बना रहे मेरे लिए चाय गर्मा गर्म। और ये ढूंढ रहे हैं सामान, क्या ढूंढ रहा, व्हाट आर यू सर्चिंग? अमूल दूध। ये दूध ऐसा आता है डब्बे में भी आता है, ये कौन सा दूध है? टोन मिल्क। कब का रख रहा है पता नहीं। आज हमारे साथ लेके जाएंगे तृप्ति जी को फाइनली, ये बहुत सारा मना कर रहे थे क्योंकि इनको बहुत सारा काम है, हम इनको लेके जाएंगे लेकिन फिर भी ये जा रहे हैं। और गाइस अगर आप लोग इनसे यहाँ पे आके मिलना चाहते हैं तो मैं एड्रेस नहीं बताऊं। चलो मैं आती हूँ। तप्ती जी ने बनाया देखो पराठा ये, और बेबू से बनवाई मैंने चाय क्योंकि पराठा वालों को चाय के बिना नहीं पाता, बढ़िया एक नंबर। और मम्मी ने बनाई है ये वाली लॉन्जी, बहुत शानदार बनी है। बोलो बोलो। मेरे पे बहुत ज्यादा अत्याचार किया जा रहा है यहाँ पे, कभी मेरे से गाड़ी धुलवाई जाती है, कभी मुझसे कैरी बनवाई जाती है और कभी मुझसे चप्पलें धुलवाई जाती है। गंदी हो रही है वो, काफी गंदी हो रही है यहाँ से। हाँ तो आप बोले ना मेरे से इतनी धुलती है, मेरा पेट टूटने लग गया धोते धोते, आप बोले ना। ये हमें फिर से बहुत ज्यादा लेट कर रहे हैं और हम सारे के सारे बैठे हैं इनकी वजह से। देखो इधर बेबो, इधर मम्मी ऑल्सो मी, और इधर ये लेट पे लेट लेट पे लेट लेट पे लेट किए जा रहे हैं। सो गाइस हम लोग निकल रहे हैं और इनका काम अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, इन्होंने रेवती को काम सौंप दिया है अपना। सो गाइस हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहने वाले ऊंचे ऊंचे लोगों ने अपना काम छोड़ दिया हमारे लिए और हमारे साथ में घूमने के लिए जा रहे हैं। वेरी गुड नाइस, इधर पीछे आ रहे हैं मम्मी जी, और मम्मी ने पहना है और स्कूल के बच्चे दिखाती हूँ आप, ये हमारे स्कूल के बच्चे, इनका नया नया एडमिशन हुआ है अभी, देखो ये जा रहे हैं आगे स्कूल में जाते हैं, हमको लगता है अच्छी स्कूल, ऑल अच्छी स्कूल में जाते हैं ये लोग, सनग्लासेस लगा के बुलाते हैं। हाँ और ड्रेसे देखो इनके स्कूल के बच्चों की। हमारी कैब भी आ गई सामने, कल हम जिस कैब में कल गए थे आज भी उसी कैब में जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे चड्डे में। मैं भी स्कूल, और ये भी स्कूल जा रहे हैं, ये देखो बैग मिल गया। हाँ और इन्होंने भी चड्डा ही पहना है, मेरे को छोड़ने जा रही है। बाय। मम्मी मेरे को नहीं जाना स्कूल। आजा टिंगरी। ये हम जा रहे हैं खंडाला टनल में से, नींबू पानी नहीं है क्या, लींबू पानी, लींबू पानी। हम लोग खंडाला तक पहुंच गए लेकिन अभी भी इनका ही लैपटॉप चालू है और इनकी सत्ती बड़ी होती हो गई कि इनका अकाउंट भी बंद हो गया था। कोई बात नहीं करो काम, वो तो हमारे साथ ही। मम्मी का थोड़ा बहुत पेट दुख रहा है, मम्मी को पिलाएंगे लींबू पानी। अरे राम, नींबू पानी पी लेना, नींबू पानी सही है, लींबू पानी, लींबू लींबू।
अटे एक तो गेट ये लाइट और एट लाई लोग आग तो एडा है तो कुन कोटर कुन न पकड़े रहे ठाई को नहीं माँ को हो ही मसाला डोसा मान गिर मसाला डोसा था को है कि मगर माँ को तो कोई हम लोगों ने ली यहाँ से बहुत सारी चीज़ें कुछ नहीं बहुत सारी कोई चीज़ें नहीं ये आईटी वाले लोग इतनी दया आती है ना मेरे लोगों में सीरियसली देखो आप इनको देखो आप इतने सही और इतना सारा भार इन्होंने ले रखा है अपनी जिंदगी में हमने लिया चिक्की एक तो ये हो गया ठीक है एक लिया हमने इमली दो और तीन हमने लिए ये और इसके उन्होंने लिए 770 रुपए और ये गलती है इनकी हाँ मेरी गलती है गलती नहीं है देखो गाइस इसमें चंडू बाम ने दिया चंडू बाम था ये लो देखो इधर देखो इधर इसमें सच में चंडू बाम की स्मेल आ रही थी पॉलराइज है पॉलराइज तो यहाँ पे भैया आ गए सीएनजी भरवाने के लिए क्योंकि वहाँ पे पहली वाली जगह पे लाइट नहीं थी इसलिए फिर सीएनजी चलवा रहे और तृप्ति जी अपने लैपटॉप का चार्जिंग पॉइंट ढूंढ रहे हैं ऑफिस में वो उधर ऑफिस है पीछे वहीं पे घुस गए डरे और बेबू उधर धक्के खा रहे देखो इस पेट्रोल पम्प की मालिक यही है क्या बोलते हैं इसको चिक्की तो मेरी फ्रेंड का नाम है कैसा लगा माय न्यू इन्वेंशन चिक्की दैट इज कॉल्ड चिक्की कैसा है Same way you add me there. तो क्या मुझे आपको बता देना चाहिए कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं या फिर पहुँचने के बाद ही बताना चाहिए क्या बोलते आप तो एक गलियाँ देखो ये रास्ते देखो यू कैंसिल दैट कॉल ना तो हम लोग आ गए हैं गोवा वाले बीच पे है ना मम्मी अपन कहाँ पे है नाम बताओ कौन से बीच पे हाँ किसने सजेस्ट किया आपको यू एंड मी वो कहाँ जा रहे हैं उनको सिर्फ लैपटॉप चार्ज करना है लैपटॉप आप लोगों के लिए मैं खिलौने भी लेके आ सकती हूँ लेके आऊँ यहाँ से खरीद के हमारा तो पूरा मुंह अभी से चिपचिपा चिपचिपा हो गया मम्मी कहाँ गई मम्मी मुंडे पे क्रीम लगा के आए हो ना ये तो पूरा मुंह चिपचिपा चिपचिपा पूरा मुंह चिपचिपा चिपचिपा हो रहा है तो मम्मी आपको कैसा लग रहा है ढंग से बताइए अच्छा लग रहा है चिपचिपा चिपचिपा है गर्मी ज्यादा है हाँ लेकिन फिर भी थोड़ी सी हवा तो सही चल रही है तो हम लोग आए हैं यहाँ पे और बोरा किला वहाँ तक पैदल जाते हैं हाँ वहाँ तक पैदल जाते हैं इस पानी के अंदर तो भयंकर पानी के अंदर ये पानी पूरा उतरता है ये स्पेशलिटी है यहाँ की तो गहरा तो होगा ना अभी तो पानी गहरा कुछ भी नहीं फिर पूरा फ्लैट है वहाँ तक
जा सकते हो। डूब गए तो बता रहे हैं कि मैंने अभी आप लोगों को जो किला बताया ना, अभी वहां तक पूरा पानी खींच चला जाएगा और वहां तक पैदल जा सकते हैं, और अभी तक अभी पानी है बिल्कुल यहाँ पे और किला है वहां पे। तो मतलब कि कितनी बजे तक पानी उतरेगा ये इनको नहीं पता। शाम हाँ, मतलब पानी उतरता है और वहां तक चला जाता है, वहां तक पैदल जा सकते हैं। और अभी तो मेरे को लगता है कि कहां तक पता चलेंगे। मिट्टी है और क्या है इसके अंदर, मिट्टी तो है ना, मिट्टी है ज्यादा, रेत नहीं है यहाँ पे। तो नहीं है तो क्या है, आइसक्रीम खाते हुए, क्योंकि हम लोगों को चप्पल खोलनी है इसलिए हमने चप्पल डर के मारे यहाँ पे छोड़ी। अब डर लग रहा है कोई ले ना जाए मेरी चप्पल है ना, और गर्म भी इतना भयंकर हो रहा है। मम्मी कैसे उतर गए यहाँ से, हम लोग जाने वाले थोड़ा सा पानी, और यहाँ पे बहुत ज्यादा वेव्स है ना, इस वजह से यहाँ पे अभी कोई भी नाव वगैरह कुछ नहीं। लोबाग तो चप्पल यहीं पे पटक पटक के चले गए। आ जाओ, आ जाओ आगे, मम्मी को डर लग रहा है। धीरे धीरे आ जाओ, पानी उतरेगा। What do you see me? I'm also. सोच रहे हैं थोड़ा सा और आगे चल जाते हैं, थोड़ा सा और आगे चल जाते हैं।
धीरे 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 चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। आ जाओ हम लोग जाने वाले हैं बोट में। कहाँ पे? बोट में। ये लोग लेके आए कैरी, खट्टी कैरी। इन लोगों को पहना जा रहा है लाइफ जैकेट। क्या हो गया? बोले मुझे ही भीगना पड़ेगा। चलो ना आप ही चलो, आप ही चलो। तो जब तक हमारी बोट राइडिंग नहीं होती तब तक हम लोग जा रहे हैं हॉर्स राइडिंग पे। चलो 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 आ जाओ। चलो मम्मी, वो तो सबसे पहले जाके बैठी हो। चलो पीछे से पकड़ो मम्मी को। चलो लेट्स गो गाइस। चलो आप थामो बैठ जाओ बैठ जाओ, अभी तो बैठ जाओ, पहले बैठी हुई तू मैं और कैसे बैठ। ये टेढ़ा क्यों हो रहा है यार, बाल कितने खराब हो गए। Thank you.
बहुत मजा आया इसके अंदर, है ना, मजा आया ना, बहुत सारा मजा आया। आगे तक लेके गए थे हम लोगों को। हमारी बोट है, वो भैया लेने जा रहे हैं, अभी दिखाती हूँ जूम करके। वो जो आपको ग्रीन कलर वाली दिख रही है, ये हाँ, ये जो ये मुंडी से दिख रही है ना, ये वो लेके आ रहे हैं इतनी दूर से, और ये है इतनी दूर, ये देखो, अब वो लेके आ रहे हैं, इसमें बैठेंगे हम। ये हमारी वाली बोट आ चुकी है, अभी भी दूर ही है, क्लोज करके दिखा देती है, देखो ये देखो ये आ गई। अभी तो इसमें तेल भरेंगे उसमें, और इसमें हम चार जने बैठेंगे। कैसे हम लोग चार जने हैं, बैठेंगे कैसे इसमें, इसमें जाएंगे हम लोग, इसमें सब उतर गए, ये नहीं उतरे भाई, बहुत मजा आया। आ जाओ मम्मी, कैसा लगा, मजा आए, डर तो नहीं लगा, डर तो लगा था, चिल्ला तो रहे थे जोर जोर से, आ जाओ, अरे तू कह रहा नहीं है पैदल पैदल जा सकते, इसमें बने आ जाओ, गिरते तो क्या होता, पैदल पैदल चल के वापस आ जाते, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, सीरियसली बहुत ज्यादा मजा आया, और सीरियसली बहुत मजा आया। हम तो खड़े थे पीछे और मम्मी और ये दोनों बैठे थे, आ जाओ, अरे आ जाओ ना, ओए। बहुत ज्यादा मजा, अब हम लोग हो रहे सारे के सारे गीले, अब सोच रहे करे तो क्या करें, कपड़े भी एक एक जोड़ी लेके आए थे और बाल इतने अच्छे हो गए ना भाई साहब, ऐसा लग रहा है कि मतलब अभी अपन डव शैम्पू से नहा के आए, इतने बढ़िया बाल हो गए, मम्मी तो पूरी हो गई। अरे भाई यहाँ पे तो घूमने का, लेकिन बदबू कितनी गंदी आ रही, छी बहुत गंदी स्मेल आ रही, सीरियसली बदबू बहुत ज्यादा। अरे इधर ही जाने की, इतनी गंदी स्मेल आ रही है। हम लोगों का बिल्कुल मन नहीं था यहाँ पे हाथ मुंह धोने का, गिर जाएंगे तो। फिर हम लोग यहाँ पे झूला खाने के लिए आ गए, झूला खाने के लिए आ गए, मैं तो जोर से निकाली, मेरे को डर लगता है मेरे बदन से टूट ना जाए, ये लोग तो पतले पतले दोनों के दोनों, इसलिए मैं ज्यादा जोर से निकाली झूले, दूसरा झूला ये वाला, उनमें ज्यादा वजन है, इनमें कम वजन है, हाँ आ जाओ ना, हम लोग तो एक एक बाल्टी पानी की डाले हैं, ना है ऐसे चिपचिपा नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत बहुत महंगा चिपचिपा, मम्मी तरह पूरी गिल बड़ी, मैं तो बोले ना तुम लोग ही ना जाए, एक एक बाल्टी पानी की गिर गया, लेकिन कपड़े भी वापस वही धो के पहन के आ गए हम तो। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे, लेकिन बहुत मजा आया यहाँ पे ना, सबसे ज़्यादा मज़ा यहीं पर आया ना, बहुत मज़ा आया, और सही है मतलब ना, हमने सोचा था कि बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, लेकिन गर्मी नहीं लगी, क्योंकि नहा रखे बट गर्मी नहीं लगी,
कोई बात नहीं, बट मजा आया। मम्मी और ये पीछे आ रहे हैं। हम तो वापस नहा के उन्हीं कपड़ों को निचोड़ के वापस वो ही पहन के आ गए, क्योंकि कपड़े हम लोग लेके ही नहीं आए थे दूसरे, लेकिन अच्छा लगा पौधा देखो। ये देख लो तोप, और अच्छे से खाना भी हम लोग यहीं खा लेते हैं, तो ये पास में ही है खाना खाने के लिए भी, यहीं पे खा लेंगे। गीले तो हम सारे ही हो रहे हैं, देखता है। यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं था खाने के लिए, इसलिए हम लोगों ने सोचा कहीं और चलते हैं। अब हम लोग यहाँ से कहीं और जाएंगे खाने के लिए। हम लोग हो रहे हैं सारे गीले, तो इसलिए सोच रहे थे कि कपड़े ले लेते, बट ट्रेंड्स में गए, क्या पता अलाउ है नहीं है, गीले हो रखे हम लोग, तो वो लोग पूछने के लिए गए हैं। अभी तृप्ति जी ने दिला दिया हमको बहुत सुंदर सुंदर कपड़े और हम सब चेंज करने वाले हैं अभी। ऑल्सो मम्मी भी, मैं तो कर लिया चेंज, तो हम लोगों ने कर लिया सबने चेंज। इन दोनों ने पहनी है सेम सेम, मैंने अलग और मम्मी ने भी अलग। तो अब हम लोग खाना खाने के लिए रुकेंगे और कल की रिटर्न, और कल की हमारी हमारी टिकट्स हो चुकी है, कल हम लोग जाएंगे जयपुर। हम लोग यहाँ पे रुके भी, लेकिन सब जो बहुत अजीब सी स्मेल आ रही थी, तो हमारा किसी का भी मन नहीं कर रहा यहाँ पे रुकने का। अब रास्ते में देखेंगे कहीं पे कोई भी होटल रेस्टोरेंट मिलता है। सो हम लोग अभी रुके हैं बीच में कुछ खाने के लिए, और जहाँ पहले रुके थे वहाँ पे कुछ, जहाँ पहले रुके थे वहाँ पे क्या, वहाँ पे बहुत अजीब सी स्मेल आ रही थी, इसलिए हम लोगों ने रुका। अभी भी जहाँ पे रुके हैं ना वहाँ पे सिर्फ स्नैक्स है खाने के लिए, मतलब खाना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अभी टाइम भी नहीं है खाने का। अभी टाइम भी 6:30 हो रहा है और बहुत भयंकर भूख लग रही थी, लेकिन वहाँ पता ही नहीं लगा टाइम का हम लोगों को। तो अभी हम लोग स्नैक्स लेंगे और खाना रात को ही खाएंगे। तो यहाँ हम लोगों ने ऑर्डर किया ये मिसल पाव और वेज पुलाव। और कैसा लगा आपको खाना यहाँ? बहुत ही हम मतलब सुबह से खाना तो खाया नहीं रखा था, हमने सोचा यहाँ पे कुछ खा लेंगे, बट लिटरली बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं था। हाँ पराठा सुबह हम लोग खा के आए थे, जब फ्रिज ने बनाया था हम सबके लिए, लेकिन जितनी उम्मीद से हम लोग यहाँ रुके थे ना कि यार अच्छा कुछ खाएंगे, लेकिन ये सैंडविच थे वो भी हम लोगों ने फिर पैक ही करवा लिए आखिरी में। बिल्कुल भी खाना आप लोग सबकी अपनी अपनी मर्जी है, खा लेंगे अपन तो अपना व्यू दे रहे हैं कि हमको नहीं लगा अच्छा, मतलब हमको नहीं लगा अच्छा। उनके लिए चाय ऑर्डर करके आई हूँ, ड्राइवर भैया के खाने का पेमेंट करके आई हूँ और अपने लिए लेके आई हूँ। मीठा ही मीठा खा लो, मोटे हो जाओ। फिर से भैया ने CNG भरवाने के लिए गाड़ी रोक दी, और यहाँ पे हमको दिख गए इतने मोटे मोटे नारियल के पेड़ देखो ऊपर, और इन्होंने शर्त लगाई है कि इस पे कौन चढ़ सकता है। मैंने बोला मैं चढ़ सकती हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं है चढ़ने का, अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं है, मैं इस पे एक मिनट में चढ़ सकती हूँ, बट मेरा भी मन नहीं है। मम्मी क्या बोल रही है, रस्सी की भी जरूरत नहीं है, मैं तो आराम से। अरे इसको कौन पकड़ के चढ़ सकता है, टूट जाएगा धागे काटे। हम चपते जी को इस वाली कार से बिठा रहे अच्छा। मैंने कहा एक बार बैठो स्वाद आएगा स्वाद बैठो तो सही, बस अच्छी कार से बहुत मुलायम है, सॉफ्ट है। ये देखो बीच पेट्रोल पंप पे लड़ रही है बदतमीज लड़कियां, देखो देखो इनको कितनी बदतमीज है ये, और ये लड़की लगती है दो बच्चों की माँ है। और राम कहाँ भाग गई। तो हम लोग घर पे आ चुके हैं 12 बजे अप्रॉक्स, मैं नहा भी ली, पूजा भी कर ली, और अब हम सोएंगे। गुड नाइट, टाटा सी यू, टेक केयर, जय माँ गली।